जनचंद की आवाज जीएन भारत राजभवन के समीप मौजूद है और आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी कर्मचारी, आंगनवाड़ी महिलाएं, जी हाँ, ये वो महिलाएं हैं जो कोरोना काल में जब सब कोई घर पे था, इन महिलाओं ने अपने जान को जोखिम पर डालकर बाहर निकल के एक एक लोगों तक पहुंचने का काम किया है। तो जब मुश्किल समय में इन्होंने जनता का तो हाथ थामे रखा, सरकार की हर एक आदेश का पालन किया है, लेकिन आज ये महिलाएं जो है वो सड़क पे बैठने के मजबूर है, घर परिवार छोड़कर यहाँ बैठी हुई है। और इनका जो बेसिक राइट है वो है सैलरी या फिर वेतन, किसी का भी एक बेसिक राइट होता है। इनको कई महीनों से उनका सैलरी नहीं मिला है, जिस वजह से क्या कुछ परेशानी झेलना पड़ा और यहाँ पे क्यों हम बात करेंगे। दीदी, सबसे पहले बताइए, आप आंगनवाड़ी सेविका है, समाज कल्याण का काम करती है, लेकिन आपका कल्याण का काम कौन कर रहा है? हमारा कल्याण का काम, वही तो है सवाल कि हमारा कल्याण का काम कौन करेगा। जब हमारा भारत, झारखंड सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम किसे फरियाद करेंगे अपने दिल का। हमारे साथ जो 2019 में झारखंड सरकार जब प्रतिपक्ष में थी तो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे बहना, और वो हमारे साथ हमारे रोते हुए चेहरे को देखकर वो भी खुद आंसू बहाए थे और बोले थे कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो आपका सेविका का मानदेय 10,000 और सहायिका को 8,000 देंगे बहना, हमें आप लोग सत्ता में बैठाइए, हम आप लोगों को देंगे। लेकिन सत्ता में बैठने का 2.5 साल बीत चुका है, अब तीसरा साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। मजबूरी में आकर हमें रोड पर उतरना पड़ा और हमारी मजबूरी को कौन सुनेगा जब हमारी सरकार ही हमारी नहीं सुन रही है। हम इस सरकार को लाने का मकसद यही था कि कम से कम ये सरकार, झारखंड के सरकार, हमें रोड में तो कम से कम बैठने नहीं देंगे। लेकिन आज हमारी स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि घर से दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे को लेकर के महिलाएं रोड पर आके बैठी हुई है, और हमारा मानदेय के विषय में जो भी हम मांग कर रहे हैं, अभी तक सरकार से ये नहीं हुआ कि हमें बुलाकर ये सांत्वना दे कि बहनों आप रोड में मत बैठिए, हम आपको। किसी मंत्री से बात हुई आपकी? जी नहीं, अभी तो नहीं हुई है। कभी मिलने की कोशिश की? जी नहीं, अभी तक बात नहीं हुई। हम जब लेटर डाले हैं लेकिन अभी तक उधर से बुलावा नहीं आया है। अगर मंत्री बुलाते हैं हमारे साथ, अगर अपनी जो बात 2019 में उन्होंने कहा है उस बात पे अगर एग्री होते हैं, हमें लिखित देते हैं, तो हम अपनी धरना को समाप्त कर देंगे। आप क्या कहेंगे मैडम, घर परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है? जी, मैं आंगनवाड़ी सेविका हूँ, इसे घर परिवार चलाने आज हम लोग 9-10 महीना से मानदेय नहीं मिला है। तनख्वाह तो बात छोड़िए, जो हम लोग को मानदेय के ऊपर रखा गया है वो मानदेय भी नहीं मिला है मैम। और उसके बाद इतनी तंगी हालत है कि हमें मजबूरन अब अपने छोटे छोटे बच्चों को दूसरे के घर में काम करने के लिए भेजना पड़ रहा है। इस तरह से हमारा घर स्थिति, खाने को हम लोग को लाला पड़ गया है मैडम। हम लोग को 9 महीना, एक दो दिन छोड़िए, 9 महीना से मानदेय नहीं है। पोषाहार की तो बात 1.5 साल हो गई, 1.5 साल से 1 रुपया पोषाहार का भी नहीं आया। सरकार जो पिछली सरकार थी वो तो डंडे से हम लोग का स्वागत की, अब ये सरकार क्या करती है अभी अब इस सरकार के ऊपर निर्भर है। हम लोग बहुत उम्मीद से, हम लोग को सरकार बोली थी इसी तरह 2019 में जब हम लोग धरना दिए तो हेमंत सरकार आई और बोली कि आप लोग बहन हड़ताल तोड़ दीजिए, हमें राजगद्दी में बैठाइए, आप लोग सारी मांग पूरी करेंगे, आप लोग का स्थानीयकरण का भी नीति बनाएंगे, सब करेंगे, सब कर देंगे, और आज तक बात करने को भी तैयार नहीं है। और इसी तरह हम लोग को रोड पर मजबूरन उतरना पड़ा। यहाँ पे भी कुछ महिलाएं जानेंगे मैडम, रोड पे बहुत बड़ा बड़ा बैनर होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, ये वो इतने सारे स्कीम है, लेकिन यहाँ पे नज़ारा तो कुछ और है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ पेपर तक ही सीमित है और बैनर तक ही सीमित है। जब हम भी एक बेटी है, झारखंड की बेटी है, माँ है, बहू है, जब आप हमें इस रोड में बैठा दिए हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप जब इस तरह जो नारा लगवाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें भी तो आप देखिए कि हमें भी पढ़ाइए हमें भी बचाइए, रोड में क्यों ला करके बैठा है? घर में सुनने को मिलता है कि पैसा नहीं मिलता तो काम पे क्यों जाती हो, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, घर में सबसे सुनने को मिलता है, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आपको क्या पैसा मिलता है, हम लोग तो आज तक नहीं जानते हैं। अभी देखिए हमारा 6 महीने से मानदेय रांची जिला में नहीं मिला है, और भी प्रखंड में कहीं 16 महीने से बकाया है, कहीं 19 महीने से बकाया है, और ऐसे देखा जाए तो हर साल हम लोग का 1-2 महीना का पैसा गायब ही रहता है। और जैसे अभी नगरी में 16 महीने का मानदेय बकाया है। सरकार से अंतिम मांग क्या? सरकार से अंतिम मांग यही है कि आपने जो वादा किया है उस वादा को हमारे साथ जो आपने वादा किया उस वादा को निभाइए, और हमारा जो मानदेय आपने पेपर में जो छापा था फरवरी में
कि 13,184 रुपया सेविका को दिया जाएगा, उस वादा को आप पूरा कीजिए जी। तो मैं दिखाना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगी अपने कैमरामैन को, पीछे देख लीजिए कितना भीड़ है, महिलाएं जो है इतनी कड़ाके की धूप अभी छाता लेकर बैठी हुई है अपने मांग को पूरा करने के लिए। आप समझ सकते हैं महिलाओं के लिए बहुत फंड जो है वो सरकार अलॉट करती है, स्पेशल योजनाएं निकलते, प्रोग्राम्स होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है, लेकिन जो हड़ताल है, जमीनी हकीकत हमेशा कुछ और रहता है। जमीनी हकीकत में आपने जैसा सुना कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात, अगर सैलरी नहीं मिलेगी, 5-6 महीने तक नहीं मिलेगी, तो खाने के लाले पड़ना आजमी है। और ये जब एक सैलरी नहीं मिलता, एक वेतन एक महिला को नहीं मिलता है, तो बात सिर्फ खाने तक ही नहीं, उनके बच्चों की परवरिश, उनके बच्चों की स्कूल फीस और जिंदगी के जितने आयाम होता है, डायमेंशन, उन सबको बहुत प्रभावित करती है। इसीलिए अगर पूरा वेलफेयर सोसाइटी चाहिए, एक वाइब्रेंट सोसाइटी चाहिए, तो इस तरीके से रेगुलर सैलरी और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज आंगनवाड़ी को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लाना पड़ेगा, तभी जाकर एक वाइब्रेंट सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं जीएन भारत, मैं शिखा श्रीवास्तव अपनी सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।